अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, की हाल चाल है। अज मैं बनाने लगी हाँ दाल वाले परौठे। इस तरह दाल पकाई है, बच गई थोड़ा जहा, ले लिया आटा, उस विच पा ली दाल। दो प्याज कट ले, दो बरीक बरीक कतर ले, हरी मिर्च चार अदद, दो अदद टमाटर बरीक बरीक काट के, थोड़ी जी सब्ज मेथी, हरी मेथी कसूरी, हसबे ज़रूरत नमक, थोड़ी जी लाल मिर्च, थोड़ा जहा पानी पा लिया। नो आटे को चंगी तरह ना गुनना है। आस थोड़ा थोड़ा पानी पाते रहना बिच। उस तरह तो बची पई रह जाती है, ज़ाया हो जाती है। इस तरह आटा गुन के बच्चों भी, बच्चे भी शौक नाल खाणगे, वड्डियां भी बहुत पसंद आएगी। इस तरह ही गुंदे जाना। ज़्यादा नरम नहीं करना, फिर ज़्यादा नरम जड़ा होएगा फिर रोटी नहीं बना होएगी। ज़रा सख्त सख्त ही रखना, सख्त दे नाल रोटी दी शेप अच्छी आएगी। लो जी, ये मेरा हुण मिस्सा आटा गुन हो गया वा। इनू 10 मिनट लई रख लेना वा, क्यों जे सैट हो जाए फिर तो बाद रोटी बनानी शुरू करनी है। वीवर्स, हुण अस लगी आ रोटी पकाउण। मैं इस तरह पेड़े कर लैने, इस तरह ही करते जाना। इन तुसी रोज़ियां शेच भी खा सकते हो दही दे नाल, क्यों ये ज़्यादा मिर्चा नमक कम रखिया जाए रमज़ान शरीफ दे लई। बाद विच फिर तेज़ मिर्चा नमक भी खा सकते हैं, क्यों जे फिर रोज़े च तंग ना करेगी तेज़ मिर्च वाली। रोटी साड़ी मेरी थोड़ी जी पक गई है, घी लगा दिता। साड़ी रोटी तैयार है, दही दे नाल तुसी खा सकते हैं रमज़ान शरीफ च भी, क्यों जी हल्की मिर्च वाली सही रहेगी, तंग नहीं करेगी। सब तो करो सब्सक्राइब करो, फिर मिलांगे अगली वीडियो।